नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है आकाश और मेरा भी नाम है आकाश। दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 चोरों की मूवीज के बारे में। टॉप 10 ऐसी फिल्में जिनके अंदर रॉबरी या फिर चोरियां हुई हो। जितनी भी मैं आपको फिल्मों के नाम बता रहा हूँ वो सारी फिल्में हिंदी में है, आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएगी। और दूसरा कि मैं आपको लिंक शेयर नहीं कर सकता क्योंकि गूगल एडसेंस की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ऐसा करना उसकी पॉलिसी के खिलाफ है, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। तो आइए दोस्तों बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं टॉप 10 चोरों की मूवीज की लिस्ट। नंबर 10 पे आती है दोस्तों पॉइंट ब्रेक। इस फिल्म को सन 2015 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म का जॉनर है क्राइम एंड थ्रिलर। 1 घंटे 54 मिनट की मूवी है। आईएमडीबी ने इस फिल्म को 10 में से 5.3 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटो ने 100 में से 9% की रेटिंग इस मूवी को दी है। पता नहीं क्या सोच के दी है इतनी कम रेटिंग, बट मुझे तो काफी अच्छी लगी थी फिल्म दोस्तों। इस फिल्म के स्टंट भी काफी अच्छे थे, अगर आपने देखी होगी तो आप समझ ही जाएंगे। और इस फिल्म के अंदर आपको ल्यूक बेरेसी, एडगर रेमरेस और टेरिसा पामर देखने को नजर आ जाएंगे। इस फिल्म की बेसिक स्टोरी दोस्तों यह है कि इस मूवी में जॉनी नाम का एक करेक्टर होता है जो कि एफबीआई एजेंट होता है। तो वो एक बार कुछ ऐसे चोरों के ग्रुप में शामिल हो जाता है जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एथलीट्स होते हैं और वो अपने इस स्किल्स का यूज चोरी करने के लिए करते हैं। पर क्या वो एफबीआई एजेंट उन्हें पकड़ पाता है या वो उन्हीं के साथ मिल जाता है, उन्हीं के साथ एंजॉय करने लगता है, उसी के ऊपर इस पूरी फिल्म का बेस है। अगर आपने नहीं देखी तो इस मूवी को जरूर देखना, काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। और नंबर 9 पे आती है दोस्तों टॉवर हाइस्ट। इस फिल्म को सन 2011 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म का जॉनर है क्राइम एंड एक्शन। 1 घंटे 44 मिनट की मूवी है। आईएमडीबी ने फिल्म को 10 में से 6.2 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटो ने 100 में से 70% की रेटिंग इस मूवी को दी है। 4 नवंबर 2011 को इस फिल्म को इंडिया में रिलीज किया गया था। इस फिल्म के अंदर आपको एडी मर्फी, बेन स्टीलर और एलन एल्डा देखने को नजर आ जाएंगे। इस फिल्म की बेसिक स्टोरी दोस्तों ये है कि कुछ हार्डवर्किंग लोगों का एक ग्रुप होता है जिसे एक बिजनेसमैन एक स्कैम में फंसा देता है, जिससे हार्डवर्किंग लोगों के इस ग्रुप ने उस बिजनेसमैन से बदला लेने की सोची। तो लोग उसकी कुछ कीमती चीजें चोरी करने का प्लान बनाते हैं, बट क्या वो चीजों को चोरी कर पाते हैं, अपना बदला लेने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, यही इस पूरी फिल्म का बेस है दोस्तों। और नंबर 8 पे आती है द स्कोर। इस फिल्म को सन 2001 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म का जॉनर है थ्रिलर एंड ड्रामा। 2 घंटे 4 मिनट की मूवी है। आईएमडीबी ने फिल्म को 10 में से 7 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटो और मेटाक्रिटिक दोनों ने इस मूवी को 100 में से 75% की रेटिंग दी है। इस फिल्म को कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं दोस्तों और इस फिल्म के अंदर आपको रॉबर्ट डा नीरो, मैरन ब्लैनेडो और एडवर्ड नॉर्टन देखने को नजर आ जाएंगे। इस फिल्म की बेसिक स्टोरी ये है कि इस मूवी में निक वेल्स एक प्रोफेशनल सेफ क्रैकर होते हैं जो रिटायर होने वाले होते हैं, बट निक वेल्स का एक दोस्त होता है जिसका नाम मैक्स होता है, उसने उसे एक फ्रांसीसी खजाने चोरी करने के लिए मजबूर कर दिया। तो वो मजबूर उसे किस तरीके से किया गया और वो उस खजाने को चुराने में कामयाब हो पाते हैं नहीं हो पाते, इसी के ऊपर ये सारी फिल्म का बेस है दोस्तों। और अगले नंबर पे आती है दोस्तों नाउ यू सी मी। इस फिल्म को सन 2013 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म का जॉनर है मिस्ट्री एंड क्राइम। 2 घंटे 5 मिनट की ये मूवी है। आईएमडीबी ने फिल्म को 10 में से 7.5 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटो और मेटाक्रिटिक दोनों ने इस मूवी को 100 में से 50% की रेटिंग दी है। इस फिल्म के अंदर आपको जेसी, डेव फ्रांसो और मार्क रुफेलो देखने को नजर आ जाएंगे। और दोस्तों इस फिल्म की बेसिक स्टोरी ये है कि 4 स्ट्रीट मैजिशियन होते हैं जिनका नाम डैनियल, मैरिट, हैनली और जैक होता है। वो चारों मिलकर बहुत बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं। ये सारी चोरियां वो सभी की आंखों के सामने करते हैं, पर क्या वो चोरियां सच में की गई थी या नहीं की गई थी, यही जानने की कोशिश इंटरपोल और एफबीआई एजेंट करते हैं। इस फिल्म का क्लाइमैक्स काफी शॉकिंग है, अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। जिन लोगों ने देख रखी होगी वो समझ गए होंगे किस बारे में बात कर रहा हूँ। काफी इंटरेस्टिंग क्लाइमैक्स है इस मूवी का। और अगले नंबर पे आती है दोस्तों द इटालियन जॉब। इस फिल्म को सन 2003 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म का जॉनर है क्राइम एंड थ्रिलर। 1 घंटे 51 मिनट की मूवी है। आईएमडीबी ने फिल्म को 10 में से 7 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटो ने फिल्म को 100 में से 75% की रेटिंग दी है दोस्तों। ये सीक्वल है द ब्राजीलियन जॉब मूवी का और इस फिल्म के अंदर आपको चार्लिज थेरियन, मार्क वोलबर्ग, जेसन स्टैथम और भी काफी बड़ी बड़ी कास्टिंग इस मूवी में आपको नजर आ जाएगी। इस मूवी में एक करेक्टर को धोखा दिया जाता है और उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, पर वो किसी तरह अपनी जान बचाकर कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाता है और जिन लोगों ने उसे धोखा दिया है उनसे उनका सोना चोरी करने की एक साजिश रचता है। पर क्या वो साजिश में कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता और वो किस तरीके से अपनी जान को बचाता है, इसी के ऊपर इस पूरी फिल्म का बेस है दोस्तों। और अगले नंबर पे आती है दोस्तों ओशन 13। इस फिल्म को सन 2007 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म का जॉनर है केपर स्टोरियन थ्रिलर। 2 घंटे 2 मिनट की मूवी है। आईएमडीबी ने फिल्म को 10 में से 7 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटो ने 100 में से 70% की रेटिंग इस मूवी को दी है। 24 मई 2007 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया था और इस फिल्म के अंदर आपको जॉर्जी क्लोनी, ब्रैड पिट और मैट डेमन के साथ और भी बड़े बड़े एक्टर देखने को नजर आ जाएंगे दोस्तों। इस मूवी की बेसिक स्टोरी बताने से पहले मैं आपको इसके पहले वाले पार्ट की स्टोरी बताना चाहूंगा क्योंकि उसी के ऊपर इस पूरी फिल्म का बेस है
और जिस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है ओशन 11, जो कि इसके बाद वाली मूवी है जिसका मैं नाम लूंगा। जो नंबर 4 पे आती है उसका नाम है ओशन 11 और जो नंबर 5 पे आती है उसका नाम है ओशन 13। तो पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप ओशन 11 देखें, उसके बाद ही आप ओशन 13 देखें। 2001 में ओशन 11 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म का जेनर है क्राइम एंड थ्रिलर। 1 घंटे 57 मिनट की मूवी है। IMDb ने फिल्म को 10 में से 8 की रेटिंग दी है और रोटेन टमाटर ने फिल्म को 100 में से 85% की रेटिंग दी है। दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया था स्टीवन सोडरबर्ग ने और इस फिल्म के अंदर आपको जॉर्ज क्लोनी, ब्रैड पिट, मैट डेमन और भी काफी अच्छी कास्टिंग नजर आ जाएगी। इस फिल्म की स्टोरी दोस्तों यह है कि एक गैंगस्टर होता है जिसका नाम होता है डैनी ओशन और वो अपने साथ 11 लोगों का एक ग्रुप बनाता है और लॉस वेगस के 3 बहुत ही बड़े बड़े फेमस कैसीनो होते हैं उनको लूटने की साजिश बनाता है। पर क्या वो साजिश में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, या वो जिंदा भी रहते हैं या नहीं, यही इस ओशन 11 मूवी की स्टोरी है। और ओशन 30 की स्टोरी दोस्तों ये है कि इस मूवी के बाद जो स्टोरी होती है वही इस मूवी में दिखाया जाता है। एक शब्द में बताऊंगा इस मूवी की स्टोरी जो की है बदला। पूरे ओशन 11 का जो भी सीन होता है उसका सारा रिजल्ट आपको ओशन 13 में देखने को नजर आ जाएगा। अगले नंबर पे आती है दोस्तों स्नैच। इस फिल्म को सन 2000 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म का जेनर है क्राइम एंड थ्रिलर। 1 घंटे 44 मिनट की मूवी है। IMDb ने फिल्म को 10 में से 8.5 की रेटिंग दी है और रोटेन टमाटो ने 100 में से 75% की रेटिंग मूवी को दी है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था गाय रिची ने और इस फिल्म के अंदर आपको ब्रैड पिट, जेसन स्टैथम और विनी जोन्स देखने को नजर आ जाएंगे। इस फिल्म की स्टोरी दोस्तों ये है कि एक गैर कानूनी फाइटिंग कंपटीशन में एक प्रमोटर ने एक गैंगस्टर को फाइटिंग कंपटीशन में दाव लगाने के लिए मनाता है। किसी वजह से गैंगस्टर रीमैच करने की मांग करता है और इसी बीच इनमें से किसी का एक बहुत ही कीमती डायमंड चोरी हो जाता है। फिर उस डायमंड का क्या होता है और वो गैंगस्टर क्या करता है उन लोगों के साथ, यही इस पूरी फिल्म का बेस है दोस्तों। ये अगर आपको जानना है तो आपको फिल्म देखनी ही पड़ेगी। और नंबर 2 पे आती है द टाउन। इस फिल्म को सन 2010 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म का जेनर है थ्रिलर एंड ड्रामा। 2 घंटे 5 मिनट की मूवी है। IMDb ने फिल्म को 10 में से 7.5 की रेटिंग दी है और रोटेन टमाटो ने 100 में से 95% की रेटिंग इस मूवी को दी है। और इस फिल्म के अंदर आपको बेन एफ्लिक देखने को नजर आएंगे, उनके साथ आपको दिखेंगी ब्लैक लीवली और जर्मी रेनर। इस फिल्म की बेसिक स्टोरी दोस्तों ये है कि चोरों का एक एक्सपर्ट ग्रुप होता है जो एक बैंक को लूटता है और वो बैंक में काम कर रहे लोगों को अपना कैदी बना लेते हैं। बट फिल्म में मजा तब आना स्टार्ट होता है जब चोरों में से एक चोर को एक कैदी से प्यार हो जाता है, तो वो किस तरीके से अपने प्यार को आगे बढ़ाता है और किस तरीके से वो बैंक को भी लूटता है हाथों हाथ, या लूट पाता भी है ढंग से या नहीं लूट पाता, उसी के ऊपर इस पूरी फिल्म का बेस है दोस्तों। और नंबर 1 पे आती है मेरी पर्सनली फेवरेट मूवी जिसका नाम है कैच मी इफ यू कैन। इस फिल्म को सन 2002 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म का जेनर है क्राइम एंड ड्रामा। 2 घंटे 21 मिनट की मूवी है और रोटेन टमाटो ने फिल्म को 100 में से 100% की रेटिंग दी है और IMDb ने 10 में से 8% की रेटिंग दी है और मेटाक्रिटिक ने 100 में से 75% की रेटिंग इस मूवी को दी है। इस फिल्म के अंदर आपको लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ साथ टॉम हैंक्स और एमी एडम्स भी देखने को नजर आ जाएंगे। इस फिल्म की बेसिक स्टोरी दोस्तों यह है कि इस फिल्म का एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है फ्रैंक अबागनेल जूनियर। एक स्विडलर होता है इस मूवी के अंदर जो नकली पायलट, डॉक्टर और वकील और जाली चेक के बदौलत बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। बट एक FBI एजेंट जिसका नाम पॉल हेनरटी होता है उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो क्या उसे पकड़ पाता है या नहीं पकड़ पाता और पकड़ता भी है तो किस तरीके से पकड़ पाता है, इसी के ऊपर इस पूरी फिल्म का बेस है दोस्तों। तो दोस्तों यही थी टॉप 10 चोरों के ऊपर और रॉबरी के ऊपर बनी फिल्में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि आज मैंने इस वीडियो में मूवी भी एक्सप्लेन करके बताई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं किसी टाइप से मैं मूवी एक्सप्लेन करके वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं कमेंट में बता देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।